क्या फर्स्ट ग्रेड परीक्षा स्कूल व्याख्याता की फिर से रद्द होगी? ये एक सवाल हर अभ्यर्थी के दिमाग के किसी कोने में थोड़ा या ज़्यादा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। तो इसकी वजह यह है कि आप कभी न्यूज़पेपर में, कभी टीवी की लाइन में, कभी व्हाट्सएप के ग्रुप में देखते हैं कि विरोध किया अभ्यर्थियों ने और वो परीक्षा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस तरह से जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ आती है, ऐसी न्यूज़, और फिर वो जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि परीक्षा जनवरी में होती है तो दिक्कत किन के हो रही है? कुछ कर्मचारी जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो मेरी नज़र में जायज़ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी जो है उसको तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है, उसको चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे उसके चुनाव हो, जो कर्तव्य है करना ही होगा, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में आए हैं। हाँ, उनको सरकार ने सुविधाएं दी हैं, वो मेडिकल, PL, नॉन वेतनिक, अवैतनिक, नॉन पेमेंट पे छुट्टी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो रह सकते हैं। तो फिर दिक्कत किन को आ रही है? दूसरी दिक्कत आ रही है जिन लोगों ने अभी नया फॉर्म भरा है उनको। हाँ, उनकी मांग जायज़ हम कह सकते हैं कि उनको मौका नहीं मिला तैयारी के लिए, हालांकि उनको करीब 2 महीने मिल जाएंगे, 2-3 महीने, मगर लंबा समय उनको नहीं मिला। अब क्या परीक्षा RPSC या सरकार पुनः सोचेगी इसको आगे खिसकाने के लिए? दोस्तों, 2 बार तो इस परीक्षा को आगे खिसकाया जा चुका है, और इसमें करीब राजस्थान के 5-6 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित होते हैं, अगर ये परीक्षा आगे खिसकती है या नहीं खिसकती है। तो अगर मान लीजिए इसको आगे खिसकाएंगे तो 2 बार तो खिसकाया जा चुका है, तीसरी बार अगर और खिसका दें तो चौथी बार ये परीक्षा कब होगी? या जब चौथी बार इसकी डेट आएगी तो लोगों को ये फिर यकीन ही नहीं होगा, यानी वही बात हो जाएगी जैसे कहते हैं ना, 2 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा उसका पता नहीं, मगर ये ज़रूर पता है कि चौथा विश्व युद्ध लाठियों से लड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि उस समय इतना ज़्यादा उसमें विनाश हो जाएगा। वही बात यहाँ पे है कि अगर तीसरी बार ये खिसक गई तो फिर चौथी बार का लोगों को भरोसा ही नहीं रहेगा, भरोसा उठ जाएगा। दूसरा वजह कि ये जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा है इसमें ऐसा संयोग रहा कि 2 सालों से लोग अभ्यर्थी जूझ रहे हैं। वजह यह है ना कि भाई पहले भर्ती आ गई फिर परीक्षा की तिथि, हालांकि इसमें कारण टेक्निकल रहे सारे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो EWS हो, या फिर जैसे अभ्यर्थियों ने अनशन भूख हड़ताल शुरू कर दी तो मजबूरन आगे बढ़ाना पड़ा, मगर कितने ही आगे बढ़वा लो, तैयारी तो कभी भी हो तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको, समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था गांधी जी के बारे में कि आने वाली दुनिया शायद ही विश्वास करें कि ऐसा कोई इंसान हुआ था, वही यहाँ पे होगा मामला कि आने वाले टाइम में अभ्यर्थियों को शायद ही विश्वास हो कि फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनको कितनी बार जो एक मानसिक पीड़ा और ऊहापोह है और एक संदेह की स्थिति जो है झेलनी पड़ी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है दोस्तों कि शायद ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा रद्द नहीं होगी, हालांकि मेरी इस बात से जो इसका विरोध कर रहे हैं वो नाराज हो सकते हैं, नाराज होकर आप अभद्र कमेंट मत करना, आपसे निवेदन है। हाँ, मैंने 2 बातें मानी हैं, जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है हालांकि उनको तैयारी का मौका कम मिला है, परंतु सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांग जो है इतनी जायज़ नहीं है, क्योंकि उनके तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम लगता रहेगा, उन्हीं को मैनेज करना पड़ेगा काम के बीच में पड़ने का। और परीक्षा अगर रद्द हो जाती है तो RPSC की साख है और सरकार की मंशा है उसके बारे में फिर अभ्यर्थियों को काफ़ी निराशा हाथ लगेगी। इसलिए पूरी पूरी संभावना है दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा समय पर ही होगी। थोड़ा ये भी सोचिए ना कि ऐसा टाइम टेबल बनाना है राजस्थान लेवल पे, 3 जनवरी को कौन सा एग्ज़ाम होगा, 4 को कौन सा होगा, फर्स्ट पेपर भी, जीके भी 3 पेपर होंगे, उनका समायोजन करना, कितनी मशक्क़त RPSC को करनी पड़ी होगी। और फिर उन्होंने शेड्यूल भी सेट किया होगा कि जनवरी में कहाँ कहाँ हम फ्री है, चुनाव कब है उससे पहले पहले निपटाना, कौन कौन सी स्कूलें फ्री मिलेगी,
वो सब उन्होंने सोचा होगा ना, हम लोगों से कई गुना ज़्यादा जो रणनीति जो नीतिकार है वो सोचते तो है ही। तो इसलिए दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी प्रकार से परीक्षा आगे जाएगी। फिर भी चले जाए तो देखो कह नहीं सकते, नीतिकार है वो और क्या सोचते हैं, क्या परिस्थितियाँ रहती हैं। मगर आप जनवरी मान के तैयारी करिए, परीक्षा निश्चित रूप से होगी। धन्यवाद दोस्तों।